the dot. तो हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एक फॉर्च्यूनर का रिव्यू जो कि है टाइप 2 मॉडल और जिसमें कि ऑफ रोडिंग के लिए बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हो रखे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको गाड़ी दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ लुक आ रहा है गाड़ी का। अब मिलवाते हैं हम इस गाड़ी के ऑनर से और उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस गाड़ी में उन्होंने क्या क्या मॉडिफिकेशन करवा रखा है और क्या क्या उसकी कॉस्टिंग है। तो सबसे पहले वेलकम। हेलो आदित्य भाई, तो कैसे हो आप? बस बढ़िया, आप बताओ। तो आदित्य भाई, अब आप बताओ एक एक करके कि इस गाड़ी में अपन ने क्या क्या मॉडिफिकेशन करवा रखा है और क्या क्या उसकी कॉस्टिंग है। पहला तो मैंने ये बम्पर लगवा रखा है। अच्छा, ये फुल मतलब ऑफ रोडिंग के हिसाब से है बम्पर। अच्छा, मेटल का। अच्छा, ये मेटल बम्पर है। हाँ, तो कौन से ब्रांड का है ये? बैट फोर व्हील ड्राइव का बम्पर है। अच्छा। और इसकी कॉस्टिंग अराउंड 36,000 पड़ी मुझे, पूरी अपने फिटिंग। हाँ, फिटिंग वगैरह सब मिला के। ठीक है। और फिर इसमें यहाँ पे लगा हुआ है डॉक्टर नैनो का विंच। ओके। 12,000 LBS कैपेसिटी का विंच है ये। ठीक है। और ये इसका मैनुअल कंट्रोल बॉक्स। ये विंच मेरे को अराउंड 36,000 ये। तो अभी गाइज ये विंच भी अपन आपको यूज़ करके बता देंगे कि कैसे ये काम करती है और क्या क्या यूज़ इसका आता है ऑफ रोडिंग में। Then, उसके बाद ये मैंने इसमें मेथड रेस व्हील्स लगवा रखे हैं। ओके। ये मतलब अमेरिका कंपनी है, ऑन ऑर्डर। इसके बीड लॉक व्हील्स है, तो ये बीड लॉक व्हील्स है। तो ये बीड लॉक कैसे काम करता है, मतलब क्या यूज है इस बीड लॉक का? ये जो आउटर रिंग है ये टायर को पकड़ लेती है, तो इससे टायर की हवा चाहे कितनी भी कम हो ये टायर बाहर नहीं आता रिम से। ओके। तो गाइज ये ऑफ रोडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कि अपन ऑफ रोडिंग में टायर्स की हवा कम करते हैं तो होता क्या है कि जैसे ही कोई खड्डा आता है तो ये टायर यहाँ से रिम से बाहर आउट हो जाता है। तो अभी इस रिम में ये है कि ये जो नट्स वगैरह लगे हुए हैं इसमें ये रिम एकदम से टायर को एकदम टाइट करके रखती है। हाँ, तो कैसा भी कोई खड्डा आ जाए तो ये बाहर नहीं आएगा। हाँ, तो ये भी ये व्हील्स मेरे को चार अराउंड 180,000 के पड़े। ओके। तो मतलब 40,000 ईच। हाँ, 40,000 ईच। और देन ये टायर कौन सा है? टायर है ड्यूराटर्न ट्राविया MT। ड्यूराटर्न का। हाँ, ये पांच टायर मेरे को अराउंड 70,000 के पड़े। ओके। तो इसके बाद गाइज अपन देख लेते हैं इस गाड़ी का सस्पेंशन। तो आदित्य भाई, आप सस्पेंशन के बारे में बताओगे कौन सा ये सस्पेंशन है और क्या क्या इसमें? इस गाड़ी में प्रोफेंडर के मोनोट्यूब रिजर्वायर सस्पेंशन लगे हुए हैं। प्रोफेंडर का? प्रोफेंडर के। Okay. नाइट्रो गैस के। ओके। Okay. तो इन सस्पेंशन की खास बात ये है कि ये अपने ऑफ रोडिंग यूज के हिसाब से सॉफ्ट या हार्ड हो जाते हैं। अच्छा। जैसे भी अपन जहाँ भी चला रहे हैं तो उसके लिए क्या सेटिंग्स कैसे करनी होती है? उसके लिए ये यहाँ पे रिजर्वायर है इधर। ओके। तो गाइज ये देखिए, ये इसमें एक नाइट्रोजन का छोटा सा एक सिलेंडर टाइप लगा हुआ है जिसपे कि ये वाला जो बटन है इससे ये सॉफ्ट और हार्ड। हाँ, हाँ, और इसमें नाइट्रोजन भरी हुई। ओके। और इस सस्पेंशन के साथ गाड़ी 2.5 इंच लिफ्ट हो जाती है। हाँ। और मैंने 0.5 इंच और एक्स्ट्रा करा रखी, टोटल 3 इंच लिफ्ट है गाड़ी। अच्छा। तो गाइज ये गाड़ी कम से कम 3 इंच के आसपास लिफ्ट हो चुकी है। और ये सस्पेंशन मेरे को अराउंड 2.5 लाख का पड़ा कंट्रोल आर्म्स मिला के। और इसमें मैंने कंट्रोल आर्म्स अपर कंट्रोल आर्म्स भी प्रोफेंडर की डलवा रखी है जो आप यहाँ आके देख सकते हैं। अच्छा, ये वाली गाइज। हाँ। ये है, ये वाली जो होती है ये अपर आर्म्स होती है जो भी ऑफ रोडिंग में हार्डकोर ऑफ रोडिंग करते हैं तो ये वाली चेंज करवा लेते हैं। तो ये भी प्रोफेंडर की है? यस, ये भी प्रोफेंडर की है। अच्छा। तो और पीछे भी यही सेम सेटअप है। ओके। रिजर्वर वाला, यहाँ से ये सब सेट हो जाता है सस्पेंशन। ओके। अच्छा, तो ये वाला है इसमें। हाँ। अच्छा, तो इसमें नाइट्रोजन फिल करवानी पड़ती है अपन को। हाँ। ओके। इसमें 150 या 200 BSI के अराउंड नाइट्रोजन फिल होती है। तो गाइज ये वाले सस्पेंशन अगर किसी को लगवाने हो, अगर किसी को ऑफ रोडिंग करनी हो तो ये 2.5 लाख के समथिंग पूरा सेटअप पड़ जाता है आपको। और पीछे से तो गाड़ी में इतना कुछ अपन ने चेंज किया हुआ नहीं है। नहीं। हाँ, बस जो क्रोम वाले जो सारे पार्ट्स थे उनको डी क्रोम करवा दिया। ओके। तो यार गाड़ी तो अच्छी लग रही है, मतलब डी क्रोम करवाने के बाद में। हाँ, काफ़ी। और साइड से ये वाले भी अपन ने डी क्रोम करे हैं। और उसके बाद ये मैंने ऑफ रोडिंग पर्पज़ के लिए स्नॉर्कल लगा रखा है इसमें। अच्छा। ये अराउंड मेरे को 16,000 का पड़ा। ओके। तो इससे गाड़ी का एयर इनटेक अच्छा हो जाता है। ओके। और अगर
वाटर वेडिंग कैपेसिटी की बात करें तो वो भी थोड़ी अच्छी हो जाती है इससे। हाँ तो यार ये है कि इसमें अगर गाड़ी पानी में भी चली जाती है तो इतना कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। और इसमें ये मैंने HJC की ऑफ रोडिंग पर्पज़ के लिए लाइट्स लगा रखी है छोटी। अच्छा ये वाली लाइट्स लगी हुई है गाइस, देखिए इसका थ्रो भी अभी अपन चेक करवा देंगे। तो ये कौन सी ब्रांड की है? HJC मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया। तो इसकी क्या कॉस्टिंग वगैरह कितनी है? ये दो लैंप्स मेरे को पड़े 4000 अराउंड के। बस ये तो बहुत सस्ते हैं यार। तो ये कहाँ आपने ऑनलाइन मंगाए या कहीं किसी से, कैसे किसी को अगर किसी भी अपने सब्सक्राइबर को? हाँ ये ऑनलाइन मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके देन उसके अलावा गाड़ी में अपन ने अंदर से तो कुछ ऐसा कर नहीं रखा स्पेशल, ये है कुछ ऐसी अंदर से। तो अभी यार अपन इसका करेंगे थोड़ा सा ऑन रोड टेस्ट। तो आदित्य भाई अपन ने ये तो सारा बाहर से इसमें करवा रखा है सारा ऑफ रोडिंग के लिए जो भी है। हाँ। बम्पर वगैरह है, रिम्स हैं, सस्पेंशन है, अपना स्नॉर्कल हो गया। इसके अलावा परफॉर्मेंस के लिए अपन ने गाड़ी में कुछ किया हुआ इसमें? हाँ इसमें स्टेज वन रीमैप करवा रखा है मैंने क्वांटम का। अच्छा आपने इसमें रीमैप भी किया हुआ है। और मैंने EGR सेंसर भी इसके ऑफ करा दी। ओके तो उससे इंजन और ज़्यादा रिफाइन हो जाता है और पावर भी बढ़ जाती है इंजन की। तो स्टॉक ये गाड़ी आती है अराउंड 170 हॉर्स पावर की और रीमैप के बाद 30 हॉर्स पावर बढ़ जाता है तो 200 BHP की अभी ये गाड़ी है। अच्छा जो भी एक्स्ट्रा वेट मतलब इसमें गाड़ी में लगा है तो वो काउंटर हो गया है इंजन पावर आउटपुट बढ़ाने। तो गाइज अगर किसी को पावर बढ़ाना हो गाड़ी में तो वो इंजन रीमैप भी करा सकता है। इंजन रीमैप का भी यार मेरे से कई लोगों ने एक बार सवाल किया है कि इंजन रीमैप होता क्या है, तो इंजन रीमैप का क्या है इसमें? ECU हाँ ECU ट्यून होता है। अच्छा ECU के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है ना उसके अंदर अपडेट कर देते हैं तो इंजन ज़्यादा पावर बनाने लग जाता है। जो सेंसर्स होते हैं वो मतलब उस हिसाब से ट्यून हो जाते हैं सारे इंजन के। तो कई लोग पूछते हैं कि रीमैप कराने से गाड़ी एवरेज क्या कम देने लग जाती है, क्या कोई गाड़ी में इंजन में दिक्कत होती है, तो ऐसा कुछ होता है? नहीं नहीं स्टेज वन रीमैप तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ना एवरेज से रिलेटेड ना फिर इंजन की लाइफ टाइम से रिलेटेड। ओके तो गाइज अगर किसी को पावर बढ़ाना हो, गाड़ी का टॉर्क है, गाड़ी का हॉर्स पावर है, तो वो इंजन रीमैप भी करा सकता है जिससे कि गाड़ी की पावर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। और वैसे तो यार ओवरऑल गाड़ी हाइट मतलब इसकी बड़ी भी लग रही है, अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है गाड़ी। हाँ काफ़ी है ना। तो अब देखते हैं इसका अपन ऑन रोड चला के कि सस्पेंशन लगाने के बाद में गाड़ी में कोई चलाने में कोई फ़र्क है कि नहीं है और रीमैप का भी कोई फ़र्क है कि नहीं है, चेक करते हैं फिर दिखाते हैं आपको। तो गाइज़ अब आपको दोनों गाड़ियों को देख के आइडिया लग जाएगा कि कितना सस्पेंशन के बाद में इसमें लिफ्ट हुआ है, कितना ज़्यादा इसकी हाइट इंक्रीज़ हुई है और क्या क्या डिफरेंस आया है। तो ये तो अपनी स्टॉक गाड़ी है नॉर्मल जिसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हो रखा है और यहाँ से देख सकते हो आप इसकी हाइट कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। और ये वाली जो है इसकी हाइट का आपको पता लग रहा होगा देख के, यहाँ से भी देखो आप कितना ज़्यादा, ये देखो कितना लिफ्ट हुई है, कम से कम 3 इंच के आसपास ये गाड़ी लिफ्ट हुई है। तो एक बार मैं आपको साइड से दिखा देता हूँ दोनों गाड़ियों को, ये देखो आप। तो इतना फ़र्क इस गाड़ी में आ गया है मॉडिफिकेशन के बाद में। तो गाइज अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और करते हैं इसका ड्राइव एक्सपीरियंस और फिर बताते हैं आपको कि कितना फ़र्क पड़ रहा है इसमें चलाने में और सस्पेंशन में क्या क्या फ़र्क है। तो यार अभी इसको अपन लेके आ गए हैं रोड पे और स्टार्ट करने से पहले अपन ने इसका जो सस्पेंशन था जिसकी जो सेटिंग थी वो अपन ने कितने नंबर पे करी थी इसको? फ्रंट की है 6 और रियर की है 4। ओके तो अभी अपन टेस्ट कर रहे हैं इसको रोड पे और फिर ये देखते हैं कि सस्पेंशन लगने के बाद में गाड़ी में कोई कुछ हार्डनेस हुई है या चलने में स्टेबल हुई है या कैसा है। तो थोड़ा सा ये टूटी फूटी रोड पर इसको अपन चेक कर रहे हैं अभी। तो यार देखो ये मतलब खड्डे इतने फील नहीं हो रहे ना। हाँ ये देखो छोटे मोटे जो खड्डे हैं इतने फील नहीं हो रहे। ये लो तो फर्क तो है यार, क्योंकि जो ये ओल्ड जनरेशन वाली जो फॉर्च्यूनर थी ये इतनी स्टेबल नहीं थी और अभी ये सस्पेंशन लगने के बाद में तो यार स्टेबिलिटी तो गाड़ी में इंक्रीज हुई है नो डाउट। ये देखो मतलब इजीली निकल रही है। तो यार अभी जो अपन टेस्ट करने वाले हैं इसका वो है इसका जो अपन ने इंजन रीमैप करवाया है। हाँ। ECU रीमैप जिसको बोलते हैं अपन, तो उसके बाद में कितना टॉर्क में और
हॉर्स पावर में और पिकअप में फ़र्क पड़ा है, तो वो अभी एक बार अपन खाली रोड पे आ गए और वो चेक करते हैं इसका। ठीक है, बहुत फ़र्क पड़ा यार। मैनुअल में तो वैसे भी दम आता है गाड़ी में, लेकिन अभी करवाने के बाद तो यार मतलब एकदम जा रही है, मतलब स्मूथली 120 कब चढ़ गई अब पता भी नहीं लगा यार, 120 चल रही है गाड़ी। हाँ, और खड्डों वड्डों में और मतलब पता भी नहीं लग रहा, तो यार नो डाउट मतलब रीमैप का फर्क तो पड़ा है गाड़ी में। तो करवा सकते हैं रीमैप तो यार, अगर किसी को भी थोड़ा सा पावर इंक्रीज करना हो, वैसे फॉर्च्यूनर में देखो गाइस पावर की कोई कमी है नहीं, लेकिन फिर भी अगर किसी को थोड़ा बहुत लग रहा हो तो वो अपना ECU रीमैप करवा सकता है इसका। और अगर इसका कहाँ से करवाना है कैसे करवाना है तो वो एक बार मेरा इंस्टाग्राम पे मेरे को DM कर सकते हो, मैं जो भी इसका इन्फॉर्मेशन होगा वो शेयर कर दूँगा आपको। तो गाइज ऑन रोड पे तो इसको पूरा टेस्ट कर लिया अच्छे से, परफॉर्मेंस बहुत ही सही लग रहा है इसका। अभी अब एक बार इसको ऑफ रोड में भी टेस्ट करेंगे मिट्टी विट्टी में चला के कि कितना सस्पेंशन का फ़ायदा होता है और रीमैप का फ़ायदा होता है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। तो गाइज अभी लेके आ चुके हैं अपन गाड़ी को ऑफ रोडिंग के लिए टेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले तो अभी तो अपन इसमें कोई 4x4 वगैरह इंगेज नहीं कर रहे, क्योंकि ये गाड़ी वैसे भी ऑल व्हील ड्राइव आती है, तो एक बार इसको वैसे ही ट्राई करेंगे, देन आगे अगर नीड होगी तब अपन इसमें 4x4 इंगेज करेंगे। ये जो सामने साइन आ रहा है ये ट्रैक्शन का है जो कि अभी ऑफ किया अपन ने, बाकी यार ऑफ रोडिंग में अभी मुझे तो नीड भी नहीं हो रही इसमें कि 4x4 की इंगेज करने की। ये देखो सामने छोटा सा एक ये पैच है ड्यून्स का, इस जगह पे इतने ज़्यादा खड्डे हैं बट सस्पेंशन की वजह से एकदम से खड्डे फील भी नहीं हो रहे। स्मूथली चल रही है, देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा मिट्टी है, अभी वीडियो में शायद इतना दिख नहीं रहा होगा क्योंकि थोड़ा अंधेरा हो गया, बट इतनी ज्यादा मिट्टी है कि नॉर्मल गाड़ी तो यहाँ से निकल भी नहीं पाएगी। ये देखिए मतलब रीमैपिंग से पावर में तो फर्क आया है गाड़ी में, बहुत ज्यादा काफी, और ऐसी जगह पे ही पता लगता है पावर का। मैं दिखा देता हूँ एक बार उतर के ना कि कितनी मिट्टी है यहाँ पे, और 4x4 भी अपन ने इसमें लगा नहीं रखा है। मैं एक बार मिट्टी दिखा देता हूँ उतर के, ये देखो गाइस तो अभी इस जगह से दोबारा से ट्राई करते हैं। आ रही यार गाड़ी, मतलब पता ही नहीं लग रहा है, ज्यादा एक्सीलरेट भी नहीं करना पड़ रहा। ये वाला पैच है इसमें से, अभी ये देखो इजीली जा रही गाड़ी, कोई भी इतना कोई एक्सीलरेट नहीं करना पड़ रहा, नॉर्मली निकल रही है।
out. Dropping bodies into place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even drive. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send you to your mama. It's the whip, quick clip, get the guns out. Dropping bodies into place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. एक ये ड्यून है गाइस, बड़ा वाला, जो सबसे बड़ा ड्यून है. ये दिखने में शायद वीडियो में बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन बहुत ऊंचा ड्यून है. तो एक बार इस पर भी ट्राई करते हैं क्या रहता है. बहुत बढ़िया, एक झटके में आ गई गाइस, एक झटके में. कोई भी गाड़ी को ज़्यादा कुछ एक्सलेट नहीं करना पड़ा, नॉर्मली आ गई एकदम सीधा. तो गाइज ये वाली जो लाइट लगी हुई है आगे छोटी वाली, इनका थ्रो भी अभी एक बार आपको चेक करवा देते हैं. अंधेरा नहीं है इतना, फिर भी एक बार सामने से चेक करवा देता हूँ. ये देखिए गाइज, बहुत शानदार थ्रो है इन लाइट्स का, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है लाइट. पूरा देखो आगे तक एकदम, ये देखो एकदम छोटी वाली लाइट्स है. तो गाइज अंदर से एक बार बैठ के और लाइट्स का थ्रो चेक कर लो. ये देखो, मतलब एकदम अंधेरा नहीं है, फिर भी पूरा ये सिर्फ छोटी वाली लाइट जली हुई है. आज के वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय.